हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखा रही हूँ स्टू बनाना। स्टू को दो प्याज़ा भी लोग कहते हैं, स्टू भी कहते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ इसमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें चिकन चाहिए आपका 1.25 किलो, मेरा सवा किलो चिकन है, 1300 ग्राम, 1300 ग्राम चिकन है। इसमें सर्विंग स्पून आपको ऑयल चाहिए, थ्री स्पून सर्विंग जो टेबल स्पून होते हैं वो वाले 3 स्पून चाहिए। आपका ये क्यूमिन सीड्स हैं, ये 1 टेबल स्पून है। सॉल्ट 1 टेबल स्पून है। चिल्ली आपकी 4-5 ले लें आप बड़े वाली, और 1 टेबल स्पून गार्लिक और जंजर, दोनों 1 टेबल स्पून, 1 टेबल जंजर है, 1 टेबल स्पून गार्लिक है। कोरिएंडर पाउडर आपका 2 टेबल स्पून है, धनिया पाउडर, और दही आपका, योगर्ट जो है आपका ये है 1 कप आप ले लेंगे, मैंने देखा ये 1 बाउल भर के ले लिया। और आपको कोरिएंडर चाहिए गार्निश के लिए, चाहिए हरी मिर्चें चाहिए आपको गार्निश के लिए, अदरक देखें मैंने जूलियन में काट के करके रख ली है, ये अदरक चाहिए, चाहिए आपको लेमन गार्निश के लिए चाहिए, ये चाहिए, ये जाएगा गरम मसाला, मसाले में करी में जाएगा। तो ये इसके लिए आपको ये है 2-3 आप बड़ी इलायची ले लें, दालचीनी की दालचीनी बड़ी ले लें, और 2-3 इलायचियाँ हैं, और आपके ये काली मिर्चें हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, 10-12 लौंगे हैं। तो आए बनाना शुरू करते हैं। और ये गार्लिक है, गार्लिक मैंने आपको नहीं बताया, बता दिया गार्लिक। प्याज जो है ये 6 बड़े साइज़ की प्याज है, इतनी बड़ी बड़ी प्याज हैं, ये मैंने 6 ली हैं, मतलब प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी इसमें। और कोई इसमें रूल नहीं है कि जी आप इसको बारीक बारीक काटें, क्योंकि इसमें आपको जाके ऑनियन ही का बनना है ना मसाला, तो इसमें आप मोटी भी काट सकते हैं। ये देखें मैंने मोटी मोटी काटी है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि बारीक काटें, बाकी चीज़ों में तो हम बारीक काटते हैं लेकिन इसमें आप मोटी भी काट सकते हैं। आगे बनाना शुरू करते हैं। जी मैंने इसमें 3 चमचे ऑयल डाल लिया है, चिकन डाल दिया है मैंने इसमें, ताकि स्टीम ना हो रहा है, फिर ना हो रहा है ना। लेकिन इसका कलर चेंज होने लगा है तो फ्राई करना है, तो कलर जब चेंज होने लग जाए तो फिर आगे करते हैं इसमें। अब इसमें 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून गार्लिक है, 1 टेबल स्पून जिंजर को है, लहसुन अदरक का 1 चम्मच, हो जाएगा। इसकी ज़रा हमें स्मेल निकालनी है, तब तक इसको भूनेंगे। साथ ही इसमें ये गरम मसाला चला जाएगा सारा। सॉल्ट चले जाएगा, जीरा चला जाएगा, धनिया कोरिएंडर पाउडर चला गया इसमें, ये मिर्चें चली गई इसमें, नमक और मिर्च आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं कि आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या कैसा कम नमक खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा करें, मैंने अपने हिसाब से डाला है मिर्चें भी और नमक भी। अब इसमें जो प्याज है हमारी ये चली जाएगी सारी, ये प्याज है बड़ी, ढक देती हूँ और इसी प्याज के पानी में चिकन को गलाती हूँ, मतलब 10 मिनट तक के लिए मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि यहाँ का चिकन जल्दी गल जाता है बाहर के कहीं भी आप रह रहे हैं तो, लेकिन अगर इंडियन पाकिस्तान में आप हैं तो वहाँ आप इसको बेशक
आधा घंटे के लिए छोड़ दें, लेकिन यहाँ तो चिकन मेरे ख्याल से अभी 10 मिनट में रेडी हो जाएगा ये ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ 10 मिनट बाद के ये कैसी ब्राउन होगा ना। हमारा देखें 10 मिनट पकने के बाद ऐसा हो गया। अब मैं इसको भूनती हूँ, इसका पानी खुश करते हैं, फिर इसको दही से भूनेंगे। देखें जी इसको ना ये अब ऑयल छोड़ने लग गया ना, जिसका पानी जो है सारा वाटर ड्राई हो गया है। ये ऑयल आ गया है ऊपर इसके। अब इसके अंदर हमें जो योगर्ट है लंच का हमारा, जब पानी ड्राई हो जाए सारा इसका, फिर आप इसके अंदर ये योगर्ट डालें। योगर्ट डाल के इसके भूनना है। अभी देखें सारा ऑयल आ गया है ऊपर, तो अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसका पानी खुश करते हैं सारा दही का ना। देखें इसका पानी ड्राई हो गया है सारा दही का ना, सारा दही ड्राई हो गया है। और मेरा दही जब मैंने डाला था वो उस टाइम मेरा चिकन हाफ से ज़्यादा गल गया था, हाफ डन हो चुका था ये ना चिकन। फिर जब तक मैंने इसका पानी खुश किया है तो अब ये सारा मतलब मेरा चिकन पूरा तरीके से गल गया है। लेकिन मैं अब इसको 5 मिनट दम पे रख के, जैसे अभी देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया है। जब ऑयल ऊपर आपका आ जाए तो उसके बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख के स्टीम देनी है। और स्टीम देने के बाद आप इसका डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें चिकन हो गया पूरा, मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी हमने डिश आउट कर लिया है, मैं इसको गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्चें के साथ हरा धनिया है आपका, अदरक आ गई बारीक कटी हुई, ये डिश आउट कर दिया मैंने। आप तैयार है ये, आप लोग प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ना ये। और दुआ में जी याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।